आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे. शायद वो हर घर का टॉपिक है, हर मदर के दिमाग में चलता है, हर फादर के दिमाग में चलता है. आज हम टॉपिक जो पिक करेंगे वो है बच्चों के बारे में. बच्चे हर घर की शान होते हैं, हर घर माँ की जान होते हैं और बहुत चिंता रहती है उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर एंड उनके एनर्जी लेवल को लेकर. यस, इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बच्चों के बेडरूम की प्लेसमेंट, उनके सामान की प्लेसमेंट्स एज पर वास्तु करें तो. आई एम गीतिका भोलू सरिया रिप्रेजेंटेटिंग कनेक्कल वास्तु नोएडा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ किड्स बेडरूम. बच्चों का जो बेडरूम होता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं जो बहुत अच्छी होती हैं. जो जोन्स हैं दे आर पर्टिकुलरली मेंट फॉर दैट. अगर हम अपना घर बनाते समय या घर को रिलोकेट करते समय कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जो बच्चों को बेनिफिट कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है. बच्चों को चाहिए होता है बहुत ज़्यादा मौज एंड मस्ती, जिसे हम बोलते हैं फन एंड रिक्रिएशन. तो अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम चेक करते हैं तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फन एंड रिक्रिएशन. बच्चों का बेडरूम के लिए आइडियल जोन है. बच्चे यहाँ अच्छे खेलते हैं, अच्छी एनर्जी रखते हैं और उनको कभी लेथार्जिक ज़्यादा फील नहीं होता. तो आप अपने घर में देख सकते हैं अगर आपके पास ये जोन अवेलेबल है तो बच्चों का बेडरूम आप यहाँ बना सकते हैं. अब बात आती है अगर ये जोन नहीं है तो और कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए अच्छी हैं. वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट WSW जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ द जोन ऑफ एजुकेशन एंड विजडम. बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ अगर बिताते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली माँ सरस्वती की ब्लेसिंग उसको मिलती हैं. उनको एजुकेशन अच्छी लगती है, पढ़ने में मज़ा आता है और उनका एक नॉलेज लेवल काफ़ी ब्रॉड रहता है. तो ये जोन भी ऐसी है जो हम बच्चों के स्टडी के लिए चूज़ कर सकते हैं. थर्ड जोन आ गया साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट इज जोन फॉर स्किल्स. अगर आपके बच्चे को प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई भी स्किल्स हैं जिसमें वो प्रखर होना चाहते हैं तो आप साउथ वेस्ट का जोन यूज़ कर सकते हैं. बच्चों का सम लैपटॉप हो गया, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं. दे विल स्पेंड टाइम, दे विल प्रैक्टिस देयर प्रोफेशनल, जो भी उनकी डिग्रीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी वो करते हैं तो उनके स्किल्स बहुत इन्हांस होते हैं और उनकी ओवरऑल माइंडसेट पे, एजुकेशन पे, विजडम पे, स्किल्स पे, इन सब चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच वन नीड टू कंसिडर वाइल अप्लाइंग द टूल्स ऑफ वास्तु शास्त्र and can have the benefit of it. I hope aapko mera ye video pasand aaya hoga and thanks for watching and please do like, share and comment. Thank you so much.